हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भू संसाधन और भू उपयोग, मतलब भूमि का उपयोग। बच्चों, ये टॉपिक आपके 10th क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में से लिया गया है और सेम यही टॉपिक अपने 8th क्लास की ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, भू संसाधन और भू उपयोग। साधन प्राकृतिक संसाधनों में भू संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भूमि हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। हम भूमि पर रहते हैं, इस पर खेती करते हैं, इस पर मकान बनाते हैं और हमारी जरूरत के लिए अधिकांश संसाधन भूमि से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भू संसाधन के इस्तेमाल के लिए सही योजना की आवश्यकता है। भारत में कई तरह की भूमि है, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान और द्वीप। तो ये सभी किस में आते हैं, किस पे स्थित हैं? भूमि पर ही स्थित हैं। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 30% जो भाग है वो पहाड़ों के अंतर्गत आता है और पहाड़ जो हैं वो भी किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि मैदान और पठार होते हैं। नेक्स्ट है मैदान। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग जो है वो मैदानों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पठार। पठार क्या होता है? पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो एक तरफ जिसके ढलान होती है और उसके ऊपरी सिरे पर विस्तृत मैदान होता है। अगर आप नीचे से इस स्थलाकृति को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई ये बहुत बड़ा पर्वत है, पहाड़ है। जब आप इसके सिरे पे टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही विस्तृत मैदान दिखेगा। तो इस प्रकार की स्थलाकृति जो है उसे हम पठार कहते हैं। और भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग जो है वो पठारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भू उपयोग, मतलब भूमि का प्रयोग। तो भूमि का प्रयोग क्या होता है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि में। साधारणतः इसे ही भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मतलब कि ये देखा जाता है कि कौन सी भूमि का प्रयोग हमें स्थलाकृति के अनुसार कैसे करना है। सपोज जैसे कि पहाड़ हैं तो पहाड़ों पे रेलवे का विकास इजीली संभव नहीं है, तो उसके लिए हम मैदानों को चूज कर सकते हैं। मैदानों में हम रेलवे का विस्तार कर सकते हैं, हवाई पट्टियां बना सकते हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना सकते हैं। और नेक्स्ट जैसे मृदा है, मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर हम फसलों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसमें हम कौन सी फसलें उगा सकते हैं, या पहाड़ी मृदा जो है वो कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो इस तरह से हम मृदा की सहायता से भी चुनाव कर सकते हैं कि हमें उस भूमि का प्रयोग कैसे करना है। जलवायु के हिसाब से हम भूमि का प्रयोग कर सकते हैं, खनिजों के हिसाब से और जल की उपलब्धता। अगर जहाँ पे जल की उपलब्धता है वहाँ पे पानी को रोककर हम डैम बना सकते हैं या सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है ये भूमि के प्रयोग की को निर्धारित करती हैं। इसके अलावा मानवीय कारक जो हैं, जैसे कि जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के ही महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जितनी अधिक जनसंख्या होगी भूमि का प्रयोग उतना अधिक होगा, मतलब कि हम उतने अधिक घर बनाएंगे। उस जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम खेत खलिहानों का आकार बढ़ाएंगे, वनों का जो है विस्तार करेंगे और उतने ही उस जनसंख्या की जो पूर्ति के लिए तरह तरह के कारखाने लगाए जाएंगे उनमें सामान तैयार करने के लिए। तो इस तरह से ये सारे कारक जो हैं वो भूमि उपयोग को की सीमा को निर्धारित करते हैं। तो बच्चों, ये था आपका आज का टॉपिक, भू उपयोग। नेक्स्ट
जो जब 10th क्लास की आपकी रेगुलर पढ़ाई शुरू होगी उसमें आप इस टॉपिक को और विस्तृत रूप में जानेंगे और अधिक जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे. सो टिल देन गुड बाय.